मारो इसे और मारो इसे, ये इसी लायक है। अरे मारोगा यार। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है, अब इसे गांव से बाहर निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। तो देर किस बात की है, अभी इसे धक्के मार के इस गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। अरे सरपंच ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार मार के गांव की सीमा के बाहर निकाल देते हैं। मेरी कमर दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कमबख्तों ने जम के धुलाई की है मेरी। अरे भगवान करे इनके गांव में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये अजीब सा दिखने वाला घर किसने बनाया है, चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है। दो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो। अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, चलो चलते हैं। दोनों वैज्ञानिक वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा तो ये बात है। कालिया बड़े से कांच के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है, फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता है। कालिया अपने आप को आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गांव वालों, मैं आ रहा हूँ। कालिया गांव की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहां आते हैं। अरे ये क्या, लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है। ये देखो पैरों के निशान, अब क्या होगा, अगर वो घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे चलेगी, उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है। अरे कौन है, कौन है वहाँ? बड़े मजे से सो रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया पास में पड़ा डंडा उठाकर सरपंच की पिटाई शुरू कर देता है। ये ले और ये ले, तू इसी लायक है, ले। अब मर गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है। सही कहा, मैं भूत ही तो हूँ, ये ले। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना, मुझे ला कर दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर एक बड़े कपड़े में बांध कर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। इस कमीने जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। जमींदार अचानक अपने आप को चांटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, जमींदार साहब अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई,